Top 20 News is brought to you by Valke Happy Homes in association with Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु के 12 जिलों में अगले 3 घंटों तक भारी बारिश होगी। जलंधर ईडी की टीम ने आज सुबह सुबह अमलोह में पूर्व मंत्री साधु से धर्मसोत के घर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि वन घोटाले से जुड़े मामले में उनके घर पर रेड हुई है। राजौरी और पूंछ जिले को कश्मीरी घाटी के साथ जोड़ने वाली प्रसिद्ध मुगल रोड भारी बर्फबारी के चलते बंद है। वहीं पूंछ प्रशासन की ओर से बर्फबारी हटाने का कार्य भी शुरू किया गया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का बुधवार को 100 साल की उम्र में निधन हो गया। भारत दौरे पर आए नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच अंतरिक्ष से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अफगानिस्तान फिर से भारत में अपना दूतावास खोलने जा रहा है। तालिबान सरकार में विदेश मामलों के उपमंत्री शेर मोहम्मद अब्बास सानी जई ने इसकी जानकारी दी है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार पड़ने का खतरा पैदा होना शुरू हो गया है। कनाडा के बाद अब अमेरिका ने उसकी धरती पर हत्या की साजिश में भारत का हाथ होने की बात कह दी है। देश के सबसे सम्मानित कारोबारी समूह में से एक टाटा ग्रुप की किसी कंपनी के आज शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई है। लगभग 2.20 सालों के बाद टाटा ग्रुप अपनी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO लाया और इसमें निवेशकों ने इसमें हाथों हाथ ले लिया है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि बेमौसम बारिश से फसल नुकसान पर महाराष्ट्र सरकार 3 हेक्टेयर तक के लिए मुआवजा देगी। उद्धव गुट के नेता मुंबई के पूर्व में दत्ता दलवी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 7 से 20 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में विपक्षी दलों द्वारा मराठा आरक्षण, बेमौसम बारिश समेत कई मुद्दों को उठाया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना UBT के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में बेमौसम बारिश से दुष्काल है और हमारे मुख्यमंत्री तेलंगाना घूम रहे हैं। ऐसे में जो लायक नहीं है उसे नालायक ही कहा जा सकता है। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। चाचा भतीजे विवाद के बीच अजित पवार ने दावा किया है कि NCP उनकी पार्टी है। संगठन से लेकर चुने हुए जनप्रतिनिधि तक सब उनके साथ हैं, इसलिए NCP उनकी है। वर्ल्ड कप फाइनल मैच खत्म होने के बाद आखिरकार टीम इंडिया के कप्तान ने सोशल मीडिया पर वापसी की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खूबसूरत स्टोरी पोस्ट की है। विक्की कौशल स्टार फिल्म सैम बहादुर 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। वहीं उसके पहले फिल्म का पहला रिव्यू आउट हो चुका है। बीते दिन मुंबई में विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस मौके पर दिग्गज एक्ट्रेस रेखा भी ट्रेडिशनल लुक पर पहुंची थी। एक्ट्रेस की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। रणदीप हुड्डा ने बीते दिन अपनी गर्लफ्रेंड लिन से मणिपुरी रीति रिवाज से शादी कर ली है। एक्टर ने अब अपनी वेडिंग की प्यारी तस्वीरें शेयर कर तमाम रस्मों की झलक दिखाई है। टाइगर 3 के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस हर दिन निराशाजनक होती जा रही है। सलमान खान की यह फिल्म अब 5 करोड़ की भी कमाई नहीं कर पा रही है। रिलीज से पहले ही हर तरफ एनिमल की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि ट्रेलर में रणबीर कपूर और बॉबी देओल ने भी जो भौकाल मचाया था, फिल्म को उसका फायदा होता भी नजर आ रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में एक हाई लेवल डेलीगेशन ने जापान के कोबे में निक्कॉन कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ NBC न्यूज पर। नमस्कार।